आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनावी समय है, 2022 में जनता वोट करने निकलेगी और जनता किसे वोट करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी माहौल, लेकिन इस चुनावी माहौल में चटपटा स्वाद पीछे कैसे रह सकता है। काशीपुर में इस वक्त हम हैं, तो आप सोच सकते हैं कि काशीपुर की फेमस कचरी को कैसे भुला जा सकता है। आज जो कचरी के साथ मैं आपको ये चुनावी माहौल समझा रहा हूँ, वो उसे बनते हुए देखेंगे, उसका स्वाद भी लेंगे और उसमें जो चुनावी तड़का है उसकी भी चर्चा करेंगे। एक ऐसे ही देखिए, एक ठेले पर मैं यहाँ पर हूँ, काशी, आप देखेंगे सुनील कचरी भंडार है। जसपुर का कचरी भंडार ज़्यादा लोग लिखते हैं ना, जसपुर की फेमस कचरी। आपका क्या नाम? हरकेश सिंह कश्यप। क्या नाम? हरकेश सिंह कश्यप। हरिकेत। हरिकेश, वाह सुंदर नाम है आपका। कब से आप ये कचरी बना रहे हैं? 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए। मैं बहुत दफे यहाँ आया, शायद मैंने आपके नाम खाया भी कई बार जब हम काशीपुर आए। हरिकेश जी, पहले तो हमें आप कचरी बनाकर दिखाइए कैसी वो कचरी है, और साथ में फिर हम चुनावी चर्चा भी करते रहे। अच्छा ठीक है सर। सबसे पहले इसमें मक्खन डालता हूँ। नहीं, यहाँ से शुरू हो रही है और आप देखेंगे कि उसमें मक्खन अब डाल दिया है। ये अदरक है, जीरा है, आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी काशीपुर आए होंगे, जसपुर आए होंगे, तो आपने कचरी खाई होगी, बहुत सारों को पता भी होगा। अब जिन्हें नहीं पता हम बताएंगे। अभी हरिकेश जी के साथ हम हैं, वो कचरी तैयार कर रहे हैं। टमाटर जी सर। टमाटर ये अपने आप में एक बहुत ही चटपटा और लाजवाब सा नाश्ता है, और तराई भाबर के इस इलाके में लोग आप इसे खाइए, बेहद पौष्टिक होता है। किस चीज़ का आटा होता है ये हरिकेश? ये सिंगाड़े कचरी, सिंगाड़े का होता है। सिंगाड़े का, सिंगाड़े का जो आटा होता है आप देखेंगे उस तरफ वहाँ वो रखा हुआ है। कैमरामैन है नवजीवन भंडारी, वो आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा कचरी का आटा है, एक तरह से पेस्ट है उसका, सिंगाड़े का ये पेस्ट होता है, इससे बनती है कचरी। और उससे पहले उसका मसाला तैयार हो रहा है। हरिकेश जी, कितनी देर तक इसे आप भूनते हैं? कम से कम 5 से 7 मिनट तक मसाला। चुनावी तड़का कैसा चल रहा है माहौल? माहौल का तो पता नहीं है जी। आपको पता नहीं है? तो हम तो आपसे चुनावी चर्चा भी साथ में हम करने आए थे। ये आपने ले लिया आटा, तो इस बार काशीपुर में क्या है माहौल, कौन जीतने वाला है चुनाव, क्या लग रहा है? आप कम जानते हैं राज? अच्छा, आप व्यापार कर रहे हैं तो कुछ माहौल आपको बनता होगा, आगे पीछे दिखाई देता होगा, लोग चर्चाएं करते होंगे। क्या चर्चा है? वो जो सरकार है, मतलब आने आनी है ही। मोदी जी की सरकार तो है। मोदी जी की सरकार, आपको लगता है कि मोदी जी हैं तो बीजेपी ही लौटेगी? हाँ, बीजेपी लौटेगी सर। तो ये देखिए, ये जो सिंगाड़े का जो पेस्ट है वो आप फ्राई होगा, कितनी देर तक हरिकेश जी से आप फ्राई करेंगे? 5 मिनट तक कम से कम। आप 5 मिनट तक ये फ्राई होगा। इसमें पहले मक्खन था, फिर उसके बाद कुछ मसाले उसमें डाले गए, उन्हें भुना गया, अब ये पेस्ट भुना जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे कम से कम। इसकी कॉस्ट क्या होती है जो एक बाउल आप? ये 40 रुपए की 100 ग्राम है मक्खन में। 40 रुपए की 100 ग्राम। आप लोग खाने आए? हाँ, इधर आइए जरा। कचरी तो खाते होगे? खाते हैं। बढ़िया है, मसाला है। खाने में इतनी कड़ी लगती है कि बहुत दूर दूर से आते हैं खाने। स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th में। तो अभी कचरी खाने आए? कचरी खाने आए हैं। छुट्टी हो गई? छुट्टी बहुत देर की। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो कचरी खाने देखिए, यहाँ पर लोग पहुँचे, स्कूल के बच्चे हैं वो भी पहुँचे हैं, ये देखिए सारे लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए, और यहाँ पर हमारी कचरी बन रही है। चुनावी समय है और कुछ समय बाद जनता को वोट के लिए जाना है, तो ये तड़का है अलग अलग शहरों का, चूँकि हम एक बड़े चुनावी कवरेज पर हैं
और आपको हर शहर में विधानसभा वार जाएंगे, दिखाएंगे कि वहाँ चुनावी माहौल कैसा है और वहाँ का जो स्वादिष्ट फेमस जिसे हम कहते हैं कि जो खान पान है उसके भी आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कचरी जो है वो फेमस है। अब ये बन चुका है? जी सर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से और मक्खन? ऊपर से और मक्खन डलेगा। तो ये कचरी इस समय तैयार हो रही है, काशीपुर में चुनावी माहौल है, उसके बीच हम आपको एक चटपटे कचरी के स्वाद के साथ दिखाना चाह रहे हैं कि क्या मूड है इस समय यहाँ लोगों का। तो नेता वेता वोट मांगने आए नहीं? आगरा नहीं आते, अभी नहीं आए। अच्छा, तो आपने तो पहले डिसाइड किया मोदी जी? जी सर, सरकार वापस आई है। चलिए, कौन है केजरीवाल वाले आए? देखिए ये कचरी के साथ हम हैं और केजरीवाल जी के चर्चे भी यहाँ पर है, बच्चे हैं कुछ स्कूल्स के। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, कचरी खाते होंगे? हाँ वाह। काशी कितनी फेमस है? काशीपुर की मशहूर कचरी, जसपुर की। चुनाव का भी चल रहा हो? बहुत बढ़िया। कौन जीतने वाला है इस बार काशीपुर से? झाड़ू वाले की मांग ज्यादा है। झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल है, क्या उनको अच्छा लगता है आपको उनमें? आम आदमी पार्टी में क्या आपको खूबी लगती है कि वो आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे? ये तो बढ़िया होता है, सब ज्यादा बढ़िया उनका। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप देखिए हमारी जो कचरी है वो तैयार हो गई है, मैं जरा इसका स्वाद लेके आपको पहले बताऊंगा और ये हमारे कैमरामैन जो नवजीवन हैं वो भी अभी इसका स्वाद लेंगे। मक्खन देखिए, एक तो पूरा मक्खन में बना हुआ है, जो लोग फैट से जो थोड़ा दूरी रखते हैं ऑयली चीज़ों से उनके लिए तो माफ़ करिएगा कचरी नहीं है, लेकिन अगर आप मक्खन खा सकते हैं, ये मक्खन में बना हुआ है, सिंघाड़े का आटा है और उसे फ्राई करके बनाया गया। लाजवाब, मैं पहले बहुत बार खा चुका हूँ और जब भी काशीपुर आता हूँ तो इसे ज़रूर खाता हूँ। इसको खाने के पीछे का एक कारण ये है कि आप जब किसी शहर में जाते हैं और वहाँ की किसी एक ऐसे खान पान को के साथ जुड़ते हैं, खाते हैं वहाँ की फेमस जो खाद्य चीज़ें हैं, तो आप उस शहर से जुड़ जाते हैं, उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं। इसलिए ये चुनावी चटपटी चुनावी एक खबर थी जो मैं आप तक लाया, सिर्फ इसलिए कि आप काशीपुर आएँ, कचरी का स्वाद लें और इस कचरी के स्वाद में इस समय चुनावी तड़का है एक तरह से, और कुछ ही समय बाद जनता वोट के लिए निकलेगी, तो आप ऐसे ही मजे लीजिए। जिस जगह पर हैं, कहीं भी घूमने निकले हैं, तो वहाँ के खान पान से जुड़िए, वहाँ की चीज़ों को खाइए और उस शहर से जुड़ जाइए और आपको पता चलेगा शहर क्या सोचता है। इस स्वाद के साथ मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, फिर किसी और शहर में आपको मिलूँगा इस चुनावी कवरेज में, बताऊँगा वहाँ का चुनावी हाल और वहाँ का स्वादिष्ट खान पान, उससे भी आपको रूबरू कराऊँगा। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमवर, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।